दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि बॉलीवुड फिल्म पद्मावत पद्मावत ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया है। तो पद्मावत अब पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस से हट चुकी है और फिल्म के फाइनल यानी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने रिलीज से पहले बहुत सारे विवाद झेले और आखिरकार फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म के कलेक्शंस बहुत बढ़िया आए और अब फिल्म बॉक्स ऑफिस से हट भी चुकी है। तो बता दें कि फिल्म को रिलीज किया गया था 25 जनवरी 2018 को। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड एपिक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था और जिसके राइटर थे उनका नाम है संजय लीला भंसाली और साथ ही प्रोडक्शन में उनका साथ दिया था सुधांशु वत्स ने। अब करते हैं कास्ट की बात। तो इसमें दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, आदिति राव हैदरी और रजा मुराद लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट जो इसका जब फिल्म रिलीज हुई थी स्टार्टिंग में सभी वेबसाइट पर इसका बजट आया था 190 करोड़ का, लेकिन अब अगर हम सभी वेबसाइट पर चेक करें तो सभी पर अलग अलग बजट है। तो इसका बजट जो है वो अप्रोक्सीमेट 190 करोड़ से लेकर 215 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। अब आते हैं इसकी कलेक्शंस पर। उससे पहले बता दूं कि ये अभी तक की बॉलीवुड की सबसे महंगे बजट वाली फिल्म है। और अब इसके कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने डे वन पर इंडिया में जो ओपनिंग कलेक्शन की थी फ्राइडे को, जब ओपनिंग हुई थी थर्सडे को, तो की थी 19 करोड़ की। लेकिन उससे एक दिन पहले, रिलीज से एक दिन पहले फिल्म का पेड प्रीव्यू हुआ था जिसमें फिल्म ने 5 करोड़ की कलेक्शन की थी। यानी 5 करोड़ प्लस 19 करोड़ दोनों मिला के डे वन का जो कलेक्शन था वो था 24 करोड़ का। फर्स्ट वीक यानी पहले 7 दिन में 166 करोड़ 50 लाख की कलेक्शन की थी, 166 करोड़ 50 लाख की पहले फर्स्ट वीक में 7 दिनों में। और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन है वो है 302 करोड़ 15 लाख रुपए का, 302 करोड़ 15 लाख रुपीस का इंडिया का नेट कलेक्शन। अगर इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें 387 करोड़ 35 लाख रुपीस का हुआ है। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 197 करोड़ 65 लाख रुपीस का हुआ है और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन है 585 करोड़ रुपीस का हुआ है, 585 करोड़ का। अब अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूं यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि आप में से बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि पद्मावत को ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट मिली है, लेकिन अगर आप सभी वेबसाइट पर चेक करें तो एक भी वेबसाइट ने इसको ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट नहीं दी है। फिल्म को जो ऑफिशियल वर्डिक्ट मिली है सभी वेबसाइट पर वो है सुपरहिट की। फिल्म को ऑफिशियली वर्डिक्ट मिली है सुपरहिट की। ये हो गए फिल्म के कलेक्शंस और वर्डिक्ट की बात। और अभी तक की ये साल 2018 की बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जो अभी तक की साल 2018 की लिस्ट में नंबर वन पोजीशन पर है। इसके बाद अभी तक साल 2018 के जो नंबर सेकंड पोजीशन पर है वो है बागी 2। अब करते हैं फिल्म के अवार्ड्स की बात। तो फिल्म को टोटल 5 अवार्ड्स मिल चुके हैं जिसमें से दीपिका पादुकोण को एक अवार्ड मिला है और वो है एंटरटेनर ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड। शाहिद कपूर को 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक तो है बेस्ट एक्टर का और एक है मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन अ लीड रोल। और रणवीर सिंह को भी 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक तो है बेस्ट एक्टर का और एक है एंटरटेनर ऑफ द ईयर मेल अवार्ड मिला है। ये हो गई अवार्ड्स की बात। अब करते हैं फिल्म के गानों की बात। तो फिल्म के अंदर टोटल 5 गाने हैं। सभी गानों को कंपोज किया है संजय लीला भंसाली जी ने। संजय लीला भंसाली जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, इसके राइटर भी थे और सॉन्ग कंपोजर भी हैं। सॉन्ग कंपोज किए हैं संजय लीला भंसाली ने। इसके लिरिक्स की बात करें तो गाने लिखे हैं A.M. तुरास और सिद्धार्थ गरिमा ने। सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए हैं राहुल वैद्यव, श्रिया घोषाल, विजय प्रकाश, दिव्या कुमार और रिचा शर्मा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।